इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है और इसमें डालेंगे 1 कप भिगोए हुए काले चने और साथ में डालेंगे 2 मीडियम साइज आलू जिनको मैंने छील के पानी से 2 से 3 बार साफ कर लिया और छोटे पीसेस में काट लिया है। फिर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन के पीसेस और 1 हरी मिर्ची। 1/4 कप इसमें पानी भी डालेंगे और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्लेंड करे हुए चने और आलू मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच तिल, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें हमें बेसन भी डालना है तो करीबन 1 कप हम इसमें बेसन डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल के सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है और प्लेट को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसमें अब जो हमने बैटर बनाया ना वो डाल देंगे और अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। प्लेट जो आप यूज करोगे ना वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज की प्लेट हमें यूज करनी है ताकि इसके जो हम पीसेस बनाएंगे ना वो ज्यादा पतले ना बने। इसे स्प्रेड करके इसे साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज प्याज जिनको मैंने लंबा काट लिया है। प्याज को हाई फ्लेम पे 2 मिनट तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर 2 मीडियम साइज टमाटर इसमें मैंने काट के डाल दिए। टमाटर को भी मैंने लंबा काट लिया है और प्याज के साथ टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसे पका लेंगे जब तक टमाटर और प्याज एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। 5 मिनट बाद जब टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाएगा तो इनको एक डिश में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा करके इनको मिक्सी जार में हमें ब्लेंड करना है और इनकी एक पेस्ट बनानी है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे और टमाटर और प्याज जो हमने ब्लेंड करा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच हिंग पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी को अच्छे से पकाना है तो इसमें 1 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ एक कटोरी में मैंने पानी लिया है तो कटोरी को बीच में रख देंगे और इसके ऊपर हम प्लेट रख देंगे और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट इसे स्टीम कर लेंगे। ऐसे क्या होगा कि नीचे की ग्रेवी भी पक जाएगी और चने और आलू का पेस्ट भी स्टीम हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद जब ढक्कन खोल के देखोगे ना तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो प्लेट को बाहर निकाल लेंगे और ये जो कटोरी में गर्म पानी है ना वो ग्रेवी में डाल देंगे। इसे हमें मीडियम पीसेस में कट करना है तो छुरी की मदद से इसे स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। हमने प्लेट को ऑयल से ग्रीस करा था तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाता है और आप देख सकते हो ये पीसेस कितने अच्छे से पक गए। सारे पीसेस जो हमने कट करे थे ना वो मैंने ग्रेवी में डाल दिए और ग्रेवी के साथ इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ऊपर से बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और धनिया पत्ता डाल के ढक्कन लगाकर सिर्फ 2 मिनट ना मीडियम फ्लेम पे सब्जी को पका लेना है। 2 मिनट बाद गैस फ्लेम बंद कर देंगे और आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हो। खाने में ये सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।